तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि वूबा और सारे मॉन्स्टर्स मॉन्स्टरलैंड चले गए हैं, पर वहाँ का राजा दुष्ट है, इसलिए वूबा और सारे मॉन्स्टर्स जंगल में छुपे हुए हैं। उन्होंने अपना ही गांव बसा लिया है और यहाँ हम देखते हैं कि सारे गांव वाले डांस कर रहे हैं, वूबा भी मजे कर रहा है और सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद वो अपनी इंसानी चमड़ी उतार देते हैं। पर तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर आता है और इसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। सारे गांव वाले भाग जाते हैं, वो सब वूबा को बचाना चाहते हैं, पर लड़ाई के दौरान वूबा पानी में गिर जाता है और ये दुष्ट राजा का सेवक है। राजा उसे कहता है कि मुझे वूबा चाहिए किसी भी कीमत पर, तो उसका सेवक कहता है कि वूबा आपको मिल जाएगा, और वूबा अभी भी पानी में होता है। वो नीचे गिरता है और जोर से चिल्लाता है, उसके सामने बहुत सारा पानी होता है और वहीं दूसरी तरफ वो एक ज्योतिषी को बता रही होती है कि मुझे अजीब सी चीजें दिखती हैं और अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत सारा पानी देखा हो, पर वो ज्योतिषी कहता है कि कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही सोच रही हो। और इसके बाद दयानंद और हो बाहर आ जाते हैं, पर हो एक औरत से टकराती है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। और तभी वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आते हैं, वो सारे हो पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो गिनती में इतने सारे होते हैं इसलिए वो हो पर हावी हो जाते हैं। पर तभी उन सारे मॉन्स्टर्स को कोई पकड़ लेता है। वो शख्स उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि मेरा नाम है और मैं मॉन्स्टर ब्यूरो के लिए काम करता हूँ। इसके बाद वो दयानंद से कहती है कि तुम्हारे पिता भी तो मॉन्स्टर ब्यूरो के लिए काम करते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए, क्या पता तुम्हारे पिता हमें मिल जाए। और तभी उन्हें एक हॉट एयर बलून दिखता है और दूसरी तरफ वूबा जमीन पर पहुँच जाता है। वो यहाँ वहाँ भटक रहा होता है और वो बहुत ज्यादा भूखा भी होता है, इसलिए वो सामने से फूल उठा लेता है और उसे खा लेता है, पर उसे खाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए वो उसे फेंक देता है। और इसके बाद उसे आसमान में छवि दिखाई देती है दयानंद और हो की। उसे अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा याद आती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो देखता है बहुत सारे बच्चे हैं। इसके बाद वो सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं और वूबा भागते भागते शहर पहुँच जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो कहाँ छुपे, और एक बच्चा गाड़ी का दरवाजा खोलता है। वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है, उसे बेन बेन नाम के एक मॉन्स्टर ने छुपा लिया होता है। बेन बेन के पास गायब होने की ताकत होती है। वो सारे बच्चे फिर से देखते हैं, पर ना उन्हें बेन बेन दिखाई देता है और ना ही वूबा। बेन बेन उसे कहता है कि छोटे दोस्त तुम कहाँ से आए हो, और वूबा एक तस्वीर बनाता है और बेन बेन को समझ आता है कि वूबा अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। और इन जनाब का नाम है टू, ये बेन बेन के साथ रहते हैं और इन्हें जुआ खेलने की लत लगी हुई है। ये सारी बाजी इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि इनके कप के अंदर एक छोटा सा मॉन्स्टर है और जब भी इनकी बारी होती है वो डाइस इनके अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। और इसके बाद दिन मोहतरमा की बारी होती है, पर वो कप को इतने जोर से घुमाती है कि उसके अंदर जो मॉन्स्टर होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और टू पकड़ा जाता है। सब लोग उसके पीछे भागते हैं, वो अपनी दाढ़ी मुछे उतारता है और वहाँ से भाग जाता है। बाहर बेन बेन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी चलाता है और सबको चकमा दे के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रात को बेन बेन उसके लिए डिनर बनाता है। छोटा मॉन्स्टर काफी गुस्से में होता है, वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई, ऊपर से तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कह दूंगा, तुम याद रखना वो बहुत बड़ी है और वो तुम्हें बताएगी कि मुझसे पंगा लेने का क्या हर्ज होता है। पर टू से कहता है कि मुझे बनाओ मत, मुझे पता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वो उस पर स्टिकर लगा देता है और उसे फेंक देता है। बेन बेन उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टू उसे कहता है कि तुम अपना काम करो। इसके बाद वो आराम से अपना खाना खा रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज आती है। वो देखता है कि छोटा सा मॉन्स्टर है, वो उसे पूछता है कि अब तुम कौन हो। वूबा उसे अपना नाम बताता है। टू बेन बेन से पूछता है कि तुम्हारा बेटा है, बेन बेन उसे कहता है कि नहीं। तो इसके बाद टू वूबा को पकड़ता है और उसे कहता है कि मेरा ही खाना खा के मुझे ही अकड़ दिखाओगे। और इसके बाद वो वूबा को फेंक देता है कि तभी कोई उस पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ दयानंद और हो मॉन्स्टर हंटर के ब्यूरो पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि स्पाइकी नाम का एक मॉन्स्टर वहां से भाग रहा है और उसके पीछे मॉन्स्टर हंटर पड़े हुए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही टू की आंखें खुलती है तो वो जू नाम की औरत के सामने होते हैं। जुआ खेलने के लिए जितने भी पैसे हैं वो इन्हें जू ने ही दिए थे और जू को ये काफी पसंद भी है। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर 3 महीने के अंदर ये पैसे न लौटा पाए तो वो जू से शादी करेंगे। पर 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अब इन्हें सजा दी जा रही
रही है, इनके पैरों में गुदगुदी की जा रही है। जू अपने लोगों से कह रही होती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये छोटा मॉन्स्टर चाहिए। टू देखता है कि ये तो वही मूली जैसा मॉन्स्टर है। वो जू से कहता है कि मुझे पता है ये कहाँ है, ये तो मेरा जिगरी यार है। तो जू से कहती है कि अगर तुम इसे मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और त्यानिन अपने पिता से जुड़े सबूत ढूंढ रहा होता है कि तभी वह यून आ जाता है। त्यानिन उसे अपने पिता की तलवार दिखाता है। यून उसे बताता है कि वो मेरे सीनियर थे पर वो अचानक से गायब हो गए। इसके बाद यून उसे उसके पिता की किताब देता है और वो उसे बताता है कि आजकल हम एक छोटे से मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं, वो एक मूली के जैसा दिखता है। इसके बाद यून उन्हें एक जगह ले जाता है। वो उन्हें बताता है कि इस जगह से हमें मालूम हो सकता है कि गायब हुआ इंसान कहाँ मिलेगा। इसके बाद स्पाइकी की माँ को लाया जाता है। उसकी माँ को एक जगह बिठाया जाता है और तभी रेत से स्पाइकी दिखाई देता है। इसके बाद पता चलता है कि स्पाइकी पास के ही जंगल में है। इसके बाद हम देखते हैं कि टू और बेन वूबा को ढूंढ रहे हैं और बेन को वूबा मिल जाता है पर वो उसे छुपा लेता है क्योंकि बेन नहीं चाहता कि वूबा को बेचा जाए। और ये बात टू को पता चल ही जाती है कि वो छुपा हुआ है। वो उसे मारता है और बेन सामने आ जाता है। वो वूबा को पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवाऊंगा और तुम्हें भूख तो लगी ही होगी, तो चलो मेरे साथ। इसके बाद वो तीनों बैठकर भुट्टा खा रहे होते हैं और वूबा टू पर थूक देता है। टू कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बेन उसे बताता है कि मॉन्स्टर ऐसा तब करते हैं जब उन्हें कोई पसंद होता है। इसके बाद टू जू के पास जाता है और बेन और वूबा बाहर वेट कर रहे होते हैं। बेन उसे कहता है कि तुम्हें एक राज की बात बताऊं कि जब भी तुम किसी पर थूकते हो तो उसे चीजें दिखाई देती है, वो चीजें जो तुम देखते हो जब तुम डरे होते हो, इसलिए मैं तुम्हें डराने वाला हूँ और टू वही देखेगा जो तुम्हें दिख रहा होगा। और इसके बाद जू आती है। वो टू से पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ और तभी टू को एक चेहरा दिखाई देता है। दरअसल बेन वूबा को डरा रहा होता है। टू कहता है कि शैतान, और वहीं दूसरी तरफ हो को भी वो सब दिखाई देता है क्योंकि वूबा ने उस पर भी थूका होता है। इसके बाद जू फिर से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ और तभी बेन वूबा को अपना बम दिखा देता है और टू कहता है एकदम बम के जैसी। और जू को आता है गुस्सा और तभी टू को बेन का चेहरा दिखता है तो उसे समझ आता है कि सारा बेन का ही किया धरा है। वो बाहर आता है और बेन से पूछता है कि ये सब क्या है, तो बेन उसे सब बताता है। वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम वूबा को बेचो। टू कहता है कि इसका इस्तेमाल तो मैं जुए में करूंगा। और इसके बाद वो जुआ खेलने जाता है और वूबा सब देख रहा होता है कि उसके ओपोनेंट्स के पास कौन कौन सी डाइस है, इसलिए टू जीत रहा होता है। और तभी वहाँ एक औरत आती है। वो देखती है कि टू की मूछें उतर गई है। वो कहती है कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो। इसके बाद वो उसका नकली नाक उतार देती है। इसके बाद टू वहाँ से भाग जाता है। बेन और वूबा भी भाग जाते हैं कि तभी बेन गिर जाता है और वूबा जाके एक शीशे के सामने गिरता है। वो अपने आप को देख के जोर से चिल्लाता है और तभी हो को वूबा दिखता है और वो तीनों भागते भागते एक थिएटर के बैक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। और छुपने के लिए टू अपने चेहरे पे मेकअप लगा लेता है और साथ ही कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर ले जाया जाता है और बाहर जादूगर उस पे जादू करता है और ये सब वूबा देख रहा होता है। उसे लगता ये सब असलियत है। इसके बाद टू को बीच से काटा जाता है और ये देखकर वूबा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, उसे रोना आ जाता है। बेन उसे समझाता है कि ये सब असलियत नहीं है पर वो रोता ही रहता है। इसके बाद टू वापस अंदर आता है और बेन वूबा से कहता है कि ये देखो इसे कुछ भी नहीं हुआ। वूबा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो डांस करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। बेन और टू भी उसके पीछे जाते हैं पर बाहर लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो जाके एक हॉट एयर बलून में छुप जाते हैं। बेन टू से कहता है कि आज तक तुम्हारे लिए कोई भी नहीं रोया, तुम्हें इसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, ये भी छोटा सा बच्चा ही है। और इसके बाद वो तीनों वहीं सो जाते हैं। और दूसरी तरफ त्यानिन कोशिश करता है कि वूबा को ढूंढा जाए। वो जितने भी कोशिश करता है उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है। इसके बाद हो भी वहाँ आती है और उन्हें पता चलता है कि वूबा एक हॉट एयर बलून में है। और इसके बाद उन्हें याद आता है कि इसी शहर में तो बलून्स हैं। वो दोनों शहर आ जाते हैं
और बेन बेन रू और वूबा भी वही होते हैं। वो एक दूसरे के पीछे होते हैं और तभी वूबा रुक जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो हो और त्यानिन होते हैं। वो भाग के उनके पास जाता है। सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी अब। कि तभी टू आता है और वूबा को वहाँ से ले जाता है। वो उन दोनों से कहता है कि वूबा मुझे पहले मिला था, अगर तुम्हें वूबा चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें पैसा देगा मॉन्स्टर ब्यूरो। के बाद टू को पैसे दे दिए जाते हैं और वो वूबा को यून के पास सौंप देता है। इसके बाद वो कहता है कि चलो बेन बेन, पर बेन बेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। तो टू कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वो यून से कहती है कि हमारे बेटे को हमें लौटाने के लिए आपका शुक्रिया। वो उसे लेने आती है और यून उसे पीछे कर देता है। इसके बाद वो सारे मॉन्स्टर हंटर्स वहां से गायब हो जाते हैं। बेन बेन कहता है कि उसे मॉन्स्टर लैंड ले जा रहे होंगे। इसके बाद वो तीनों यून के पीछे जाते हैं। वूबा उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सारे लड़ाई करने लगते हैं पर यून उन सबसे लड़ने के लिए अकेला ही काफी होता है। इसके बाद वो वहाँ से जाता है और वो तीनों भी उसके पीछे आते हैं। वो सब लोग मॉन्स्टर लैंड पहुँच जाते हैं। वो सारे मॉन्स्टर हंटर वहाँ आते हैं और हमें पता चलता है कि वो सारे असली में मॉन्स्टर्स थे। इसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और त्यानिन और होक उन पर हमला कर देते हैं और इसी दौरान यून वहाँ से निकल जाता है पर वो तीनों भी उसके पीछे आ जाते हैं और इसी दौरान हो यून को पकड़ लेती है। पर हो से बचने के लिए यून को अपनी इंसानी चमड़ी छोड़नी पड़ती है और ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। इसके बाद सब लोग उस पे हमला कर देते हैं पर वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही गंदी स्मेल निकालता है और तभी एक मॉन्स्टर आती है और वो अपने पंखों से उस स्मेल को दूर कर देती है और इस मॉन्स्टर पे सवार होता है टू। दरअसल ये बड़ी सी मॉन्स्टर इस छोटे मॉन्स्टर की गर्लफ्रेंड है और इसके बाद टू त्यानिन को उसकी तलवार देता है। वो उसे कहता है कि मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली और इसके बाद यून और बड़ा हो जाता है और इसके बाद वो सबको नीचे गिरा देता है। वूबा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो चिल्लाने लगता है और तभी हो को फिर से वो दिखता है जो वूबा देख रहा होता है। हो वूबा से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। वो वूबा को समझाती है कि तुम्हें यून पर थूकना होगा। इसके बाद वो फिर से ऊपर आते हैं और वूबा वही करता है जो उसे करने के लिए कहा गया होता है पर तभी यून उसे पकड़ लेता है। हो उसे बचाने आती है पर यून उस पर हमला कर देता है। वो नीचे गिरने वाली होती है कि तभी त्यानिन अपनी तलवार पर आता है और उसे बचा लेता है और वूबा यून के पास होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और यून को भी सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हैं त्यानिन और हो। वो उस पर तलवार से हमला कर देते हैं और यून मर जाता है। इसके बाद सब बहुत खुश होते हैं और छोटे मॉन्स्टर की गर्लफ्रेंड की बहन भी आ जाती है और बेन बेन उस पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद बेन बेन वूबा को बाय बाय करता है। वो उसे कहता है कि अपना ध्यान रखना। इसके बाद हो त्यानिन और वूबा वहाँ से चले जाते हैं और टू को भी रोना आ ही जाता है और वूबा बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि फाइनली उसे अपनी फैमिली मिल ही जाती है। और फिलहाल के लिए इस मूवी के दो ही पार्ट्स हैं। ये कहा जा रहा है कि तीसरा पार्ट आ सकता है और मुझे यकीन है कि अगर तीसरा पार्ट आता है वो भी इतना ही शानदार होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ।